नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अक्टूबर 2020 में जारी अध्यादेश के खिलाफ मामले पर जारी किया नोटिस। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो पेंशन भुगतान के आदेश को खारिज करने का जो प्रयास किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2020 में जारी अध्यादेश के खिलाफ जो मामले पर जारी किया गया है, तो उसके बारे में जो नोटिस जारी किया गया है, उस नोटिस के बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और दोस्तों, ईपीएफओ ने एक बहुत ही अच्छा सिस्टम भी लगाया गया है, उस अपडेट के बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ईपीएफओ से संबंधित ही बात करेंगे और ईपीएस 95 पेंशनरों के संबंधित और फायदेमंद ही विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और प्लीज़ हमारा सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पेंशन भुगतान के आदेश को खारिज करने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2020 में जारी अध्यादेश के खिलाफ मामले पर जारी किया नोटिस। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, यह आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ऑफिशियल पिछले साल उत्तर प्रदेश की जो सरकार ने पेंशन हेतु अहरकारी सेवा और विधि मानकीकरण अध्यादेश को 21 अक्टूबर 2020 को पारित किया गया था। इस अध्यादेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश के ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट नॉन गेजेट एम्प्लॉयज एसोसिएशन की दायर जो याचिका पर जस्टिक अब्दुल नजीर और जस्टिक के एम जोसेफ द्वारा सुनवाई की गई। इस याचिका में कहा गया है कि अध्यादेश को कार्य संभावित जो कार्य कर्मचारियों के खिलाफ शोषणकारी भेदभाव का उपचार किया गया है बिना पारित किया गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे पहले और अमान्य कर दिया गया है। जस्टिस अरुण मिश्रा के साथ जस्टिस नज़ीर और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने सेवाएं के अंतिम दिनों में नियमित हेतु हजारों कार्य प्रभावित कर्मचारियों के पेंशन के अधिकार पर सुनवाई करते हुए जो प्रासंगिक नियमों को रद्द किया गया था और पेंशन के लिए जो अहंकारी सेवा का जो गणना और प्रावधानों को बताया था और निर्धारित किया गया था कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो कार्य प्रभावित कर्मचारियों की सेवा की अवधि को पेंशन के लिए अहर्क सेवा की लिए अवधि और गिना जाना चाहिए। यह फैसला जस्टिस अरुण मिश्रा के साथ जस्टिस नज़ीर और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने किया था। तो इस फैसले का स्वीकार कर लिया गया था और इस फैसले से हजारों जो प्रभावित कर्मचारियों को पेंशन भी प्रदान की गई थी। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ, ये जो मौजूदा समय याचिका जो दाखिल की गई है, तो इस याचिका में कहा गया था कि सितंबर 2020 में ये जस्टिस जो अरुण मिश्रा और सेवानिवृत्त हुए, तब उत्तर प्रदेश सरकार ने उक्त फैसले को प्रभावित करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया था और अब तीसरी और चौथी श्रेणी के इस गरीब जो कर्मचारियों को दी गई पेंशन की वसूली की मांग को की जा रही है। ये अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा इससे पहले जो आदेश दिया गया था, तो उस आदेश को चुनौती है और ये प्रतीत होता है कि अध्यादेश जारी करते समय अक्टूबर 2020 में माननीय जस्टिस अरुण मिश्रा की सेवानिवृत्ति की प्रतीक्षा की जा रही थी और जैसे ही माननीय जस्टिस अरुण मिश्रा जी सेवानिवृत्त हुए, उसके द्वारा ये जो अध्यादेश है वह
वहीं जारी किया गया था। इससे कर्मचारियों की पेंशन को वसूली करने की मांग की जा रही है। सीनियर एडवोकेट जो पल्लव सिसोदिया है ने इस अध्यादेश के बारे में याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि ये आदेश इस तथ्य के मद्देनजर अधिकारित है कि अधिनियम अध्यादेश को पूर्वव्यापी स्तर पर प्रभावी बनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून को प्रभावहीन जो बनाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला इससे पहले दिया गया था तो उस फैसले के अगेंस्ट में ये जो अध्यादेश है वह है। ये उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के विरोध में जो कार्रवाई करने जैसा है। जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई कानून घोषित किया गया जाता है तो इस विधेयक का जो छोड़कर इस कानून इसे कोई अन्य खारिज नहीं कर सकता है। विधेयक या जो संशोधन लागू करने अदालत के फैसले के प्रभाव को कम किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रेम सिंह बनाम यूपी राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अध्यादेश जारी किया गया है। इस याचिका में ये भी कहा गया है कि जो प्रतिवादी राज्य द्वारा जो विधायी अधिनियम को पूर्व स्तर पर लागू करना सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों द्वारा किए गए निर्णय के प्रभाव को ख़त्म करने के अलावा कुछ नहीं है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि इसके बाद सुनवाई में एडवोकेट राजू दुबे और शिल्पा लिज्जा जॉर्ज के माध्यम से याचिका में जो दलील दी गई कि अध्यादेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रावधान किया है कि अहरकारी जो सेवा के तहत पद के लिए सरकार द्वारा निर्धारित सेवा नियमों के प्रभाव के अनुसार अस्थायी पद पर प्रदान की गई सेवा को शामिल किया है। ये अध्यादेश नॉन अब्सेस्ट क्लॉज प्रदान करके जो कोर्ट के आदेश को भी रद्द कर देता है। ये इस आदेश में प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए याचिका में कहा गया है कि अध्यादेश के माध्यम से प्रेम सिंह के जो फैसले को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है, क्योंकि सरकार द्वारा पद के लिए निर्धारित सेवा नियमों का प्रावधान के अनुसार किसी भी अस्थायी पद पर कार्य प्रभारी जो कर्मचारियों को नियोजित नहीं किया गया है, इसीलिए इस तरह की सेवा अहरक सेवाओं का हिस्सा नहीं बनेगी। तो दोस्तों, ये थी एक अपडेट सबसे बड़ी। दूसरी अपडेट दोस्तों, जस्ट वीडियो आने वाला है नया, तो नए वीडियो के साथ में हम आपको मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हर रोज़ आपको EPS 95 पेंशनरों और EPF कर्मचारियों के लिए ही वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।